हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज अनन्या और आप सभी को स्वागत है राधिका और दीविका की लव स्टोरी में। सो लव स्टोरी को शुरू करने से पहले बिलेटेड हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू माय स्वीटी क्यूटी पाई फ्रेंड्स। होप कि आपका होली अच्छा जा गया होगा। सो आपकी होली को और ज्यादा एंटरटेनिंग करने के लिए लेके आई हूँ राधिका और दीविका की ये लव स्टोरी। सो लव स्टोरी के पिछले एपिसोड के लास्ट में आप लोगों ने ये देखा था कि जो राधिका और दीविका है, दीविका बहुत ज्यादा जलस होती है, राधिका किसी से बात भी कर लेते हो, और इधर सीन कुछ और ही पहुंच चुका होता है जब जय देविका के घर का पता वता निकाल के अपने पापा को सेंड कर देता है देविका से रिश्ते के लिए। सो देखते हैं इस कहानी में क्या क्या रंग आता है और होली के रंग के साथ इनकी लव स्टोरी क्या रंग लाती है। सो विदाउट वेस्टिंग योर लॉट्स ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। राधिका तो एकदम बहुत ज्यादा मजे में होती है क्योंकि देविका उसके लिए जलस हो रही होती है। तो देविका बोलती है, क्या से हंसी जा रही हो? तो देविका बोलती है, सुकून बेबी सुकून। तो देविका बोलती, अच्छा सुकून, तुम्हारी सुकून मैं छुड़ाऊं? तो राधिका बोलती, छुड़ाओ ना बेबी प्लीज, मैं तो चाहती हूँ आप मेरी रातों का नींद, दिन का सुकून सब ले लो यार, इतना थका दो, इतना थका दो, रात भर जगाओ मुझे। तो राधिका बोलती, बेशरम लड़की, शर्म नहीं आती, ऑफिस में हम है। राधिका बोलते, तो फिर बेबी लीव ले ले, घर चले चलो ना, मेरे रूम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो दीपिका बोलती, बहुत ज्यादा बोल रही हो ना तुम। तो राधिका बोलती, यार मैं कम बोलना चाहती हूँ, उसके लिए तो अपने लिप्स मेरे लिप्स के ऊपर रख दो ना। तो दीपिका बोलती, क्या किसी गंदी गंदी बातें बोल रही हो? तो राधिका ना देविका को एकदम कमर से पकड़ के ना अपनी तरफ खींच रही थी, बोलती कि गंदी बातें करने दो ना जानू, तुमसे नहीं करोगे तो किससे करोगी, उससे जो नहीं आई लड़की से। तो देविका ना एकदम से उसका फेस पकड़ लेती और बोलती, सोचना भी मत। तो राधिका बोलती, सोचना है भी नहीं मुझे ना, बस आपको सोचना है और आपके लिए सोचना है और जिंदगी भर आपके चेहरे को ही सोचना है। तो देविका बोलती, बहुत ज्यादा रोमांटिक बातें कर रही हो आज, बात किया? तो राधिका बोलती, बहुत रोमांटिक मूड शो ना, बहुत ज्यादा। तो देविका बोलती, क्यों? तो राधिका बोलती, कल होली है ना? तो देविका बोलती, हाँ तो क्या हो गया? तो राधिका बोलती, अरे होली है होली। तो देविका बोलती, हाँ तो क्या हो गया? राधिका बोलती, क्या बीवी बहुत अनरोमांटिक हो आप। तो देविका बोलती कि हाँ बहुत ज्यादा अनरोमांटिक हो, तो क्या हो गया उसमें? तो राधिका बोलती कि अंग से अंग लगाना सजन मोहे ऐसे रंग लगाना। तो देविका बोलती, आपका ये गाना वगैरह बंद हो गया हो तो हम काम करें? तो राधिका बोलती, नहीं बिल्कुल नहीं, होली की शॉपिंग करने चले? तो देविका बोलती, ऑफिस आवर्स है। तो राधिका बोलती, लंच आवर्स में निकल जाते हैं ना? तो देविका बोलती कि फिर इतना सारा काम कौन करेगा? तो राधिका बोलती, यार 1 आवर है ना, हमारी पहली होली है ना बेबी, और मुझे आपको स्पेशल तरीके से रंग भी तो लगाना है। तो देविका बोलती, क्या स्पेशल तरीके को रंग लगाना है? हाँ। तो राधिका बोलती कि कुछ नहीं, बस हम आ रही हो ना होली पार्टी पे? तो देविका बोलती, नहीं मुझे ना बिल्कुल होली खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरी स्किन ना बहुत सेंसिटिव है, मैं होली का रंग लगाऊंगी ना तो मुझे इन्फेक्शन हो जाएगा। तो राधिका बोलती कि बहुत ज्यादा यार अनरोमांटिक हो, मैं तो आपको दूसरा वाला कलर लगाऊंगी। तो देविका बोलती, अच्छा कौन सा वाला? मेरे को हर्बल कलर भी नहीं लगाना है, कौन लगाएगा पापा, कौन छुटाएगा? तो राधिका बोलती, जानू आपको ना प्यार का कलर लगाना है। तो देविका बोलती, अच्छा प्यार का कलर लगाना, फिर भी मुझे ना होली नहीं के लिए। तो राधिका बोलती, आपको खेलनी पड़ेगी, हमारी पहली होली है, मुझे नहीं पता। तो देविका बोलती, ऐसा क्या करने वाली हो जान होली में? हाँ जो खेलनी पड़ेगी मुझे। तो राधिका बोलती, वो तो ना सरप्राइज है, वो तो कल ही आपको पता चलेगी। अब चलो ना, जल्दी से काम खत्म कर दिया यार, होली की शॉपिंग करने चलते हैं, मुझे आप और मैं मैचिंग मैचिंग खेलेंगे, और ऑफिस के होली के बाद हम घर पे होली खेलने चलेंगे। तो देविका बोलती कि अच्छा ऑफिस के होली के बाद घर पे, मुझे ना इरिटेशन होती है कलर बॉडी पे लगा हो तो, मुझे तो घर ही जाना है, नहाना है। तो देविका बोलती, मेरे घर नहा लेना, थोड़ा कलर मैं आपको छुटा दूंगी, थोड़ा मेरा छुटा देना। तो देविका बोलती, हम ना मुझे शर्म आती है पता है ना आपको। तो राधिका बोलती, इसीलिए तो आपको छेड़ने में ज्यादा मजा आता है राली, और आप जब शर्म के मारे ऐसे शाय हो जाती हो ना यार, हाय हाय हाय, मुझे ना सुकून ही मिल जाता है। तो राधिका बोलती, बहुत हो गया तुम्हारी नाटक, चलो खंबे खंबे लगो, मुझे मुझे कुछ नहीं पता। राधिका बोलती, बीबी हाँ ना, और से ना थोड़ी देर पहले मैं जय भाई से बात करूँ, मैं करके आती हूँ ना, हमसे किनार में चले जाते हैं ना जान प्लीज। तो देविका बोलती, मुझे किसी का कुछ फेवर नहीं चाहिए। तो राधिका बोलती, मुझे चाहिए, मुझे आपके साथ पहली होली मनानी है, तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा। ऐसे बोल के ना रूम से बाहर जाने लगते। तो देविका बोलती, बीबी रुको। तो राधिका बोलती, हाय आपने बीबी बोला,
बोलो तुम्हें छान दिए तुषार। तो राधिका देविका बोलती कि किसी से कोई हेल्प लेने की कोई जरूरत नहीं। तो राधिका बोलती कि नहीं, मैं हेल्प थोड़ी नहीं ले रही, मैं छुट्टी लेने जा रही हूँ हमारी होली को स्पेशल करने। तो देविका बोलती है पागल हो क्या, मुझे नहीं चाहिए कोई छुट्टी वुट्टी। तो राधिका बोलती है आपको पूछ कौन रहा है, आपके ऊपर हुक्म सुना रही हूँ समझे। तो देविका बोलती है अच्छा और ये सुनाने के लिए कौन हो। तो राधिका बोलती है आपके होने वाले पति परमेश्वर। तो देविका बोलती है हाय जेंडर चेंज कहते हैं, मुझे बताया नहीं राधिका आपने। तो राधिका बोलती है ओहो अभी भी जेंडर पे मत जाओ, फीलिंग्स पे जाओ, फीलिंग्स पे। हाँ तो देविका बोलती है मुझे फिर भी छुट्टी नहीं लेना। तो राधिका बोलती है आपकी सुनता भी कौन है। हाँ तो देविका बोलती है अच्छा कोई नहीं सुनता मेरा। राधिका बोलती ना। तो देविका बोलती जाओ जाओ फिर। तो राधिका बोलती जा रही हूँ ना, ऐसे बोल के ना भाग जाते। देविका उसको पीछे से रोकती रह जाती है, बट राधिका रुकती ही नहीं। वो डायरेक्ट जाके ना जय भाई के अपने जय भाई के जो केबिन में है ना एकदम नॉक करने लगती है, बोलती है मैं आई गमन सर। तो जय जैसे टर्न करके देखते हैं ना उसके फेस में अलग सा ग्लो, अलग सा मतलब हस्की होती है कि मतलब वो मतलब स्माइल कर रहा होता है वो देविका को इमेजिन करते हुए। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है कि उसके पापा उसके घर पे रिश्ता लेके जाएंगे। राणा डिमका ना वो एकदम टर्न करके देखता है, और जब देखता है ना गेट पे मतलब दरवाजे पे तो वो होती है राधिका होती है। तो चैन एकदम से उठ जाता है, बोलते हे चैम्स तुम यहाँ पे कैसे भाई साहब आज। तो देविका राधिका बोलती क्यों मैं अपने चय भाई के केबिन में नहीं आ सकती, ओह सॉरी बॉस के केबिन में नहीं आ सकती। तो देविका तो चय बोलते बिल्कुल आ सकती हो मेरा बच्चा, आप क्या क्या लोगे बोलो, कोल्ड ड्रिंक ठंडा आइसक्रीम कोका कोला थम्सअप। तो राधिका बोलती फिलहाल तो मुझे छुट्टी चाहिए। तो जय बोलते क्यों भाई क्यों छुट्टी चाहिए। तो राधिका बोलती क्योंकि कल होली है और मुझे देविका के साथ शॉपिंग करने जानी है। तो जैसे ही देविका का नाम आता है जय के मुंह पे ना अलग से ग्लो एकदम स्माइल एकदम बहुत ज्यादा आ जाती है। बोलते कि अरे मैं तो भूल गया था यार, हाँ छुट्टी छुट्टी तुम चाहो। तो जय को देखे ना राधिका बोलती कि पक्का छुट्टी। तो जय बोलते हैं हाँ और देविका को अच्छा सा कुछ दिलवाना। तो राधिका बोलती है हाँ दिलवाऊंगी, बट आप क्यों इतना स्माइल कर रहे। तो जय एक पल के लिए सोचते हैं कि बोल तो कैसे कि मैंने पापा को बात कर ली है कि उसके घर पे रिश्ता भिजवा। नहीं, ये तो है ही चल रही, सारा काम खराब कर देगी, क्या पता देविका को बोल दे और देविका अपनी मम्मा को फिर ही मना कर दे। नहीं, यार पहले तो आंटी से ही बात करनी पड़ेगी, इसको तो बाद में सरप्राइज दूंगा मैं, ऐसे बोल के ना वो राधिका की तरफ देखते। तो राधिका एकदम घूर के देखते बोलते कि छे भाई सब ठीक है ना, हाई ऑल राइट। तो जय बोलते हैं बहुत ज्यादा ऑल राइट, इनफैक्ट मैं भी तुम लोग के साथ शॉपिंग पे चलता हूँ। तो राधिका बोलती है हेलो गर्ल शॉपिंग पे बॉयज नहीं जाते। तो जय बोलते हैं कि क्यों बस गर्ल्स ही होली खेलते हैं क्या, बॉयज नहीं खेलते। तो राधिका बोलती है कि खेलते हैं बट हमको जाने दो ना। तो जय बोलते हैं नहीं मैं भी तुम लोग के साथ आ रहा हूँ। तो राधिका का ना मूड खराब हो जाता है, क्यों इस टिपको को हमारे साथ आना है। तो जय बोलते हैं कि चलने दो ना यार, तुम अपना शॉपिंग कर लेना मैं अपना शॉपिंग कर लूंगा। तो राधिका बोलती ओके फाइन, बट चिपकना मत था मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई देविका के क्लोज चिपके। तो जय बोलते क्या मतलब। तो राधिका बोलते मुझे अच्छा नहीं लगता यार कोई हमारे पीछे पीछे से बॉडी गार्ड जैसे घूमे, समझो ना भाई यार बच्ची थोड़ी ना मैं हूँ। तो जय बोलते ओके 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 पापा मैं नहीं चिपकूंगा तुम लोग के पीछे, फ्रेंड्स बन के साथ चलेंगे। तो राधिका बोलती ओके फिर मैं पैकिंग कर लूँ। तो बोलती कि हाँ 10 मिनट में नीचे मिलो, हम तीनों जा रहे हैं, ऐसे बोल के ना जय राधिका को बोल देता है। राधिका बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाए, राधिका के दिमाग में इतना ज्यादा कुछ होता नहीं क्योंकि इतना सीन तो उसको पता ही नहीं है। तो जैन एकदम तो खुश हो जाता है, बोलता है हाँ उसकी और मेरी पहली होली, मतलब पापा परसों तक तो रिश्ता लेके जाएंगे बट उससे पहले उसको मैं कलर लगाऊंगा, हाँ उसको टच करूंगा पहली बार कलर में, तो कैसी वाली फीलिंग्स होगी ना एकदम तो वाव वाली, मतलब मुझे पता ही नहीं चला यार कब कब देविका इतनी ज्यादा स्पेशल होगी और कब मेरे दिल की धड़कन बन गई हो। हर कल इसके साथ मेरी पहली होली है यार, होली तो ऑफिस में बहुत पहले भी होती थी बट वो लड़की आ नहीं रही थी, क्या इस बारी वो सच में आ रही है। यार आ रही होगी तभी ना होली की शॉपिंग कर रही है, मैं ना कितना बेवकूफ हूँ, मैं क्या करी दू। वो जो खरीदेगी ना उससे रिलेटेड कुछ मैचिंग कर ताकि हम दूर से ना एकदम कपल जैसे लगे। यार कपल ये वर्ड ना हम तो सोच के कितना औसम लग रहा है, जब हम रियल में होंगे देविका वेट छे, हाँ देविका छे, देविका जय मेहता, मतलब कितना औसम है यार, कितना यार क्या हो रहा है मुझे क्या हो रहा है, ऐसे बोल के ना जी एकदम अपना ही सीन बना रहा होता है। बोलता है कि अरे अरे नीचे उतरना है नहीं तो दोनों लड़कियां चली गई ना मुझे छोड़ के चले जाएंगे, ऐसे बोल के ना कार की की उठाता है एकदम बहुत सॉन्ग गाते गाते ना ऐसे करके ना वो नीचे उतर रहा होता है। इधर राधिका एकदम बहुत एक्साइटेड होके ना अपने केबिन में जाती है और एकदम सीटी मार रही होती है। तो देविका बोलती क्या हुआ, तो राधिका बोलती
चलो मैडम शॉपिंग पे जाना है। तो देविका बोलते, मैंने बोला ना बाबा मुझे शॉपिंग करनी है, नहीं करनी है मुझे काम करना है। तो राधिका बोलते कि अरे भाई हमारी पहली हॉली है जानू, मुझे नहीं पता हमको शॉपिंग करना, प्लीज आपका काम बोलोगी तो लंच आवर्स के बाद मैं आके खुद कर लूंगी। देविका बोलते आपको जितना काम करती है जानू मुझे अच्छे से पता है। तो राधिका बोलते यार हमेशा बेइज्जती मत किया करो ना बेबी। तो देविका बोलते बेइज्जती नहीं कर रही हूँ मेरी जान, बस थोड़ा सा काम है प्लीज आप समझो। तो राधिका बोलते मुझे नहीं समझना, मैंने जय भाई को भी शॉपिंग के लिए बोल दिया और वो निकल के हमारे पार्किंग पे वेट कर रहे। तो देविका जैसे ये बात सुन रहे बोलते उसके मुंह से एक ही वो निकलते क्या। तो राधिका बोलते इतना शौक ही हो रही होगा। देविका बोलते पागल हो गया बॉस हमारे साथ जा रहे। तो राधिका बोलते हाँ भाई हाँ बॉस हमारे साथ जा रहे हैं तो क्या हो गया, मेरे भाई भी तो है ना वो। तो देविका बोलते मुझे तो बिल्कुल भी नहीं जाना। तो राधिका बोलते जाओ फिर मना कर दो। देविका बोलते क्या फंसा देते हो यार। राधिका बोलते मुझे पता ही था आप मेरे साथ नहीं जानोगे चाहोगे, इसीलिए भाई को भी इंक्लूड कर दी, होना भी बहुत चलो। तो देविका बोलते चलाक नहीं डेविल हो डेविल। राधिका बोलते बहुत डेविल हो जानू बहुत ज्यादा डेविल, आओ ना आपको अपना डेविल बोलते थोड़ा सा दिखा दू। तो देविका बोलते कि हटो तुम निकलने दो, बॉस नीचे इंतजार कर रहे होंगे, अब नहीं जाओगे ना तो दो चार सुनाएंगे। तो राधिका बोलते मेरे होते हुए मेरी नाली का कोई सुना, ऐसा हो सकता है कि मेरा बच्चा नहीं होगा, तो चलो ना चलते हैं शॉपिंग पे। तो देविका बोलते हाँ लैपटॉप बंद तो करने दो, किसको भी पकड़ के चलो। तो राधिका बोलते नहीं आपस ना मुझे ही पकड़ के चलो ठीक है, ऐसे बोल के उसको आँख मारने लगते। तो देविका उसको एकदम घूर से देखते थोड़ा गुस्सा हो जाती कि छह को क्यों बुला ला यार, मैं शाम को चलते हैं ना आफ्टर ऑफिस, इस लंच टाइम के बाद क्यों जाना है इसको, ऐसे बोल के ना वो गुस्सा होती है और ऐसे मुंह फुला के ना आगे आगे जा रही होती है। राधिका बोलती बेबी साथ तो चलो ना यार। तो देविका बोलते मुझे नहीं बात करनी है तुमसे, ऐसे बोल के ना जितना लड़ते झगड़ते ना जा रहे होते हैं नीचे, तो जो घर होती है ना वहाँ उसके बाहर ही जय खड़ा होता है, जिसे देविका को देखता है ना फ्रंट डोर ओपन करता है। तो राधिका ये चीज़ देखते हैं उसको लगता है कि फ्रंट डोर क्यों यार, मतलब ड्राइवर भी होता है तो फ्रंट डोर में मतलब राधिका को बैठने के लिए बोल रहा होता है जो जय होता है। तो राधिका एकदम से उसको देखती है और एकदम से पीछे की तरफ जाके बैठ जाती है। तो जय का दिमाग खराब हो जाता है कि क्या क्या इस लड़की में क्या प्रॉब्लम है, और देवी के एकदम से गुस्से में देखिए उसके दूसरे वाले डोर में बैठ जाती है और जय को ना चाहते हुए भी आगे बैठना पड़ता है और ड्राइवर गाड़ी मॉल की तरफ ले जाता है। और देवी का एकदम मुंह फुला के बात मतलब बात ही नहीं कर रही होती क्यों जय को क्यों बुलाना है। तो जय बोलता है हे देवी का तो कल फाइनली आप आ रही हो होली की पार्टी पे। तो राधिका देखती है बोलती है हाँ बिल्कुल आएगी। तो देविका जब बोलता है कि देविका आप भी बोलो ना क्या आपकी बेस्ट ही सारी चीज बोलेगी। तो देविका बोलती कि हाँ हाँ सर मैं आ रही हूँ मैं होली पार्टी पे इस बारी। तो राधिका तो जय बोलते वाह यार इट्स अ ग्रेट थिंग, मतलब हम सब मिलके होली खेलेंगे, तो क्या क्या सोचा है होली में क्या क्या करना है। तो राधिका बोलती बहुत कुछ, धमा चौकड़ी डांस मस्ती, भैया भांग आया क्या। तो जय बोलते पागल हो क्या टली होना है तुमको। तो राधिका बोलती हाँ ना मुझे मैंने कभी ट्राई नहीं किया, प्लीज 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 इस बारी भांग का अरेंजमेंट करो ना। तो देविका ना राधिका की तरफ एकदम घूर के देखती है और बोलती है कोई जरूरत नहीं है। राधिका बोलते चुप करो ना यार तो मुझे ट्राई करना है। तो देविका बोलती कि नशेड़ी बन के ही मानना है क्या तुमको। तो देविका बोलती है राधिका बोलती यार एक दिन पीने से कौन नशेड़ी हो जाता है, मैं नहीं ड्रिंक करती इतना ज्यादा पता है ना। देविका बोलती करती तो हो ना। तो राधिका बोलती यार ठोड़ हार क्यों ना प्लीज प्लीज प्लीज। तो जय बोलता है कि ऑफ कोर्स ठीक है आएंगे। देविका नहीं तुम चाहती तो नहीं आएंगे। तो राधिका बोलती है वो चाहती है मैं चाहती हूँ मतलब वो चाहती है, भाई प्लीज ना सोचो अगर भांग आएगा तो सब कोई कितना एंजॉय करेंगे, नहीं तो हर कोई अपना कोना पकड़ के ना कौन क्या कहेगा कौन क्या कहेगा बैठा रह गई अच्छा लगेगा क्या। तो जय को ना ये मतलब जो राधिका की बात सुन के ना उसको ये आइडिया आता है कि यार देविका भी भांग पिएगी उसके बाद मेरे साथ डांस करेगी, ये सारी चीज सोच के ना मतलब छह एकदम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। तो राधिका बोलती ओके डन, जिसको पीना है पी लेना जिसको नहीं पीना है वो नहीं पिएगा। तो राधिका बोलती ओके दैट्स ग्रेट ब्रो, ऐसे बोल के ना वो एकदम खुश हो जाती है और देविका की तरफ देखती है। तो देविका ना दूसरी तरफ मुंह फुला देती है, तो राधिका उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, देविका हाथ भी छुड़ा लेती है और इतने में ना मॉल आ जाता है। तो जय एकदम पहले उठता है और जो देविका होता है होती है ना उसका डोर अनलॉक करता है। तो राधिका को उतना ऑकवर्ड तो लगता है कि ये क्यों इतना अच्छा ही दिखा रहा है भाई मेरी गर्लफ्रेंड को, बट वो कुछ नहीं बोलती, वो अपने डोर में उड़ जाके ना एकदम राधिका का हाथ पकड़ लेती। तो राधिका ना गुस्से में हाथ छुड़ा लेती है, तो देविका ना गुस्से में हाथ छुड़ा लेती है, तो राधिका कुछ नहीं बोलती। तो राधिका बोलती कि भी यार मान जाओ ना सॉरी। तो राधिका बोलती बॉस देख रहे इतना सॉरी सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, नहीं तो चिपकने की जरूरत है। तो राधिका बोलती मैं तो चिपकूंगी मेरी गर्लफ्रेंड हो भाई तुम। तो देविका बोलती हाँ इसलिए तो अपनी गर्लफ्रेंड को अपने भाई के साथ शॉपिंग करवाने लेके आई हूँ,
शर्म नाम की कोई चीज तो रही नहीं है ना तुम में। तो देवी की रानी बोलती है कि चलो ना बेब, चलो ना शॉपिंग करते, मूड थोड़ा सा अच्छा कर लो ना मेरी जान प्लीज। तो देवी का बोलती है नहीं। तो उतनी देर में ना जय भी आ जाता है, बोलते है कि क्या कुछ प्रॉब्लम है? तो देवी का बोलती है नो नो सर, नथिंग, ऑल इज गुड। तो राजा बोलता फिर चलो फिर शॉपिंग करने। तो राधिका देविका का हाथ पकड़ लेती है अजय के सामने, और देविका ना चाहते हुए भी उससे हाथ नहीं छुड़ा पाती क्योंकि वहां पे जय होता है, और वो धीरे धीरे से हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है, बट राधिका भी उसका कहाँ हाथ छोड़ने वाली होती है। तो ये लोग जाते हैं गर्ल स्टेशन पे, तो जय भी आ रहा होता है पीछे पीछे। तो देविका राधिका बोलती है कि ब्रो गर्ल स्टेशन है, बॉय स्टेशन उधर है, आपको उधर जाना है आई थिंक, आई गेस। तो जय बोलते अरे सॉरी सॉरी सॉरी, मैं तो बस देख रहा था तुम लोग क्या खरीदो, चलो पहले तुम्हारी शॉपिंग करवाता हूँ फिर मैं खुद की शॉपिंग कर लूंगा। तो देविका बोलती नहीं सर हम खुद कर लेंगे, इट्स ओके आप अपना कर लीजिए। तो जय तो चाह रहा होता कि वहां पे रुके, बट वो क्या बोल के रुकेगा। तो जय बोलता है कि मैं चैम की शॉपिंग करवा दूंगा। तो राधिका बोलती नो ब्रो आपकी टेस्ट ना बहुत खराब है लड़कियों के मामले में, मुझे नहीं करनी, मुझे तो अपनी पसंद से ही करनी है। तो जय का दिमाग खराब हो रहा होता है, तो इशारे में राधिका को बोल रही होती है, बट राधिका उसको देख ही नहीं रही होती, उसका सारा ध्यान ना राधिका के देविका के ऊपर ही होता है। तो बेचारा जो उसको ना चाहते हुए भी ना जय स्टेशन में जाना ही पड़ता है, और एक ना व्हाइट कलर की ड्रेस राधिका उठाती है और देविका की तरफ दिखाती है, और जय ये चीज देख लेता है दूर से, कुछ गया नहीं होता है, तो वो ना एकदम एक्साइटेड हो जाता है और उसी से रिलेटेड ना कोई ड्रेस लेने की कोशिश करता है। तो देविका बोलती मुझे नहीं पहनी है ड्रेस, तो राधिका बोलती फिर भी ट्राई तो कर लो। तो देविका बोलती मुझे नहीं करनी किसी तीसरे के साथ, मुझे ना शॉपिंग में कंफर्टेबल नहीं हूँ मैं, ये सारी चीजें ना मत क्या करो। तो राधिका बोलती यार शानू आप तो बात बात में चिढ़ जाती है यार, मेरी चिड़कू मुर्गी ऐसा मत करो ना यार जान, हमारी पहली उंगली है ना, तो मेरी भी कुछ एक्सपेक्टेशन है ना, शोना समझो ना प्लीज छानम समझा करो। तो देविका बोलते ठीक है पहन ले रही हूँ, बट आइंदा से याद रखना बॉस को साथ में मिल के मत आना, मैं आने वाली थी ना यार, अब क्यों हर बात पे मुझे गुस्सा दिलाती हो। तो देविका बोलती कि राधिका बोलती ओके बाबा सॉरी, खान पकड़ लिया लो सॉरी, आप ये ट्राई करने चले? तो देविका बोलती ट्राई करने क्या चले, तुम अलग चलो मैं अलग चलती हूँ। तो देविका और राधिका बोलती नहीं ना जान साथ में ट्राई करते। तो देविका बोलती नहीं बिल्कुल नहीं। तो राधिका बोलती बहुत जालिम हो तुम। तो देविका बोलती बहुत ज्यादा। और ये दोनों ना सेम व्हाइट कलर की ड्रेस होती है, उसमें थोड़ी सी हल्की हल्की एम्ब्रॉयडरी होती है और पूरा व्हाइट होता है, बट उसकी जो एम्ब्रॉयडरी होती है ना हल्की सी ऊपर में थोड़ी नीचे से थोड़ी बॉर्डर, वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही होती है, और उसके नीचे व्हाइट कलर का पजामा और हल्की हल्की जो मोतियों की जो होती नहीं है इयररिंग, वो सारा सेट ना राधिका एकदम चुन चुन के लेती है, और देविका और खुद के लिए एकदम डिटो डिटो सेम सेम। तो राधिका बोलती तुम भी सेम पहन रही हो? तो राधिका बोलती हाँ बेबी हम सेम पहनेंगे ताकि लगे ना हम कपल है। तो देविका बोलती यार इम्पॉसिबल बेबी, सेम सेम पहने से कोई कपल लगता है क्या? तो राधिका बोलती आप ना बहुत अनरोमांटिक हो, सो ये रोमांटिक वाला जिसे मुझ पे छोड़ दो, ऐसे कर होली में आपको कुछ स्पेशल चाहिए ना मुझसे? तो देविका बोलती नहीं बिल्कुल नहीं। तो राधिका बोलती मैं तो दूंगी आपको। देविका बोलती चलो ड्रेस ट्राई कर लो, ऐसे बोल के ना दूसरे में गुजरी होती है देविका। तो राधिका ना उसकी तरफ देखती है और उसको पकड़ के ना, जो देविका जिस वाले चेंजिंग रूम में घुस रही होती है ना, राधिका घुस जाती है और अंदर से लॉक कर देती है। तो देविका बोलती क्या कर रही हो ये पागल बदतमीज। तो राधिका बोलती क्या कर रही हूँ, चेंजिंग रूम में आई हूँ ड्रेस ट्राई करना है। तो देविका बोलती पागल हो क्या बीबी, कोई बाहर होगा ना? तो राधिका बोलती होने दो। तो देविका बोलती सोना यार। तो देविका बोलती राधिका बोलती यार चेंज करो ना। तो देविका बोलती मुझे आपके सामने चेंज नहीं करनी, मुझे शर्म आती है। तो देविका राधिका बोलती मैं करवा दूँ? तो देविका बोलती बीबी हाँ। तो राधिका बोलती शान ऐसा क्या नहीं देखा मैंने आप में जो आपको इतनी शर्म आ रही है? तो देविका बोलती यार शान आप सच में यार मुझे नहीं, नहीं बात करना मुझे जाने दो। तो राधिका एकदम से उसको पकड़ लेती है और दीवार में ना ऐसे सटा के ना उसके ऊपर लिप्स रख लेती है। तो देविका ना इस खुद थोड़ी देर ना खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, बट राधिका हाँ ही उसको छोड़ रही होती है, उसके दोनों हाथ को पकड़ के ना दीवार पे ऐसे मरोड़ के रखी होती है और उसको बहुत डीपली किस पे किस किए जा रही होती है। थोड़ी देर बाद ना राधिका देविका भी एकदम उसको सपोर्ट करने लगती है, राधिका तभी भी झड़ जाती है। तो देविका बोलती क्या हुआ? तो राधिका बोलती कुछ नहीं चलो चेंज करते। देविका बोलती नहीं थोड़ी देर और किस करते हैं ना? तो राधिका बोलती हाय हाय ये मेरी डार्लिंग का भी मूड होता है हाँ। तो देविका उसको एकदम से पकड़ के ना अपनी बाहों में ले लेती है और दोनों थोड़ी देर खुद को ना एकदम करते हैं हार्ड, मतलब बहुत ही ऐसे कहते हैं। तभी देविका को राधिका खुद से दूर करती है, उसकी ऊपर की जो टॉप होती है शर्ट
उसको एकदम से रिमूव कर दी है, और उसके ऊपर जो इंडियन वाला कुर्ती है ना वो डाल दी। दीपिका को बहुत शर्म आ रहा होता है, वो आंखें नीचे कर लेती है, बट राधिका उसे बहुत जेंटली बहुत प्यार से उसकी ड्रेस चेंज करती है और खुद की भी चेंज करती है, और आईने में खुद को देखती है, बोलती परफेक्ट मेरी नजर ना लग जाए यार हम दोनों को, इमोशनल हो जाऊंगी मैं। तो देखो बोलती है बच्चा हमारी नजर कभी नहीं लगेगी, एक फोटो ले ले ऐसे। तो दोनों ना जो जो होता है चेंजिंग रूम के कैमरे में, वहां पे दोनों खुद की बहुत प्यारी प्यारी सी पाउट करके किसी वाली प्यारी प्यारी सी फोटो खींचते हैं, और एक दूसरे को बहुत प्यार वाली निगाहों से देखती है, और वही ड्रेस फाइनल करके मतलब चेंजिंग रूम के बाहर आ जाते हैं पे करने के लिए। उतने देर में ना जय भी आ चुका होता है और इन लोग का वेट कर रहा होता है। तो ये लोग जैसे ही बाहर आते हैं तो जय बोलते हैं हो गया तुम लोग का शॉपिंग? तो राधिका बोलते हैं ऑलमोस्ट डन ब्रो, आपका हो गया? तो जय बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल, कुछ और लेनी है मैं दिलवाऊँ तुम लोग को? तो दीपिका बोलती नहीं नहीं सर, हो कुछ नहीं चाहिए, हम ठीक है। तो राधिका बोलती कि हाँ हम बहुत ठीक है, और ब्रो आप भूल रही हो आपकी बहन ना बेरोजगार नहीं है, सो प्लीज यार आपको वो शॉपिंग करवानी है तो बोलो मैं करवा देती हूँ। तो जय बोलते कि मेरी माँ भूल रही हो, आप जिस कंपनी में एम्प्लॉय हो ना उसका बॉस हो मैं। तो राधिका बोलती हाय मेरी फूटी किस्मत, मेरे भाई की कंपनी में मुझे एम्प्लॉय बन के काम करना पड़ रहा है। तो जय बोलते बस बस मेरी माँ, ज्यादा ना ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है, पिज्जा खाओगी? तो राधिका बोलती बिल्कुल बहुत भूख लगी है। तो देवी ना उसको हाथ से मार रही होती कि मत तो रुको चलो हम अलग से जाते हैं, पर राधिका को इतनी भूख लग रही होती कि वो राधिका देविका की तरफ देखती है ना, तो ये लोग पिज्जा खाने जाते हैं, और पिज्जा खाते खाते ना जो एकदम चुप चुप के ना देविका को देख रहा होता है, देविका ये चीज नोटिस करते हैं उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है। तो राधिका को बोलती है राधिका हम चले, मुझे ना मम्मा के लिए कुछ न्यू लेना था मैं भूल गई थी। तो राधिका बोलती हो बीब्स पिज्जा खत्म होने दो ना। तो देविका बोलती मुझे नहीं खाना ना यार, चलो ना बाद में खा लेंगे। तो जय बोलता है कि मैं चलता हूँ आपके साथ, राधिका वो खाने दीजिए। तो राधिका ये सुन के बोलती अरे नहीं नहीं ब्रो मैं चली जाऊंगी, आप टेंशन मत लो। तो राधिका का हाथ पकड़ के ना देविका वहां से ले जाती है, और जय उन दोनों का ना जाता हुआ देख रहा होता है। तो देविका बोलती कि तुम्हारा भाई इतना क्यों घूर रहा है, मुझे मुझे अजीब लग रहा है। तो राधिका बोलती कब घूर रहा था? तो देविका बोलती कि आपको खाने से फुर्सत हो ना तब ना मुझे देखो। राधिका बोलती सॉरी पापा सॉरी, खान पकड़ के सॉरी, आई एम रियली सॉरी, बट भाई का आई डोंट थिंक सो ऐसा कोई इंटेंशन नहीं होगा। तो राधिका बोलते मुझे कंफर्ट फील नहीं हो रहा उनके साथ, आप उनको भेजो जैसे भी करके। राधिका बोलते फीवी बट मैं कैसे भेजू? देविका बोलते कि यार भेजो उनको जैसे भी, मुझे नहीं पता आप भेजो उनको। तो राधिका बोलती ओके आई ट्राई, और वो बिना सोचे समझे ना जय को कॉल लगा लेती है। जय बोलते हाँ जय बोलो। तो बोलते कि ब्रो वो ना थोड़ा सा गर्ल्स इशू हो गया, सो मैं देविका को लेके निकल रही हूँ, प्लीज आप क्या चले जाओगे? तो जय बोलते मैं आता हूँ ना, क्या प्रॉब्लम है बोलो। तो राधिका बोलती ब्रो जस्ट एक गर्ल्स इशू हो, प्लीज समझो ना, मैं उसको लेके जा रही हूँ ना। तो जय बोलता यार बट कार की तो मेरे पास है ना। तो राधिका बोलती मैं कैब कर लूंगी ना यार ब्रो, समझो ना प्लीज। जय इतना चुप होता है, वो छोड़ के जाना चाह ही नहीं रहा होता है, पर राधिका उसको इतना इंसिस्ट करती है कि वो बोलते कि ठीक है तुम चले जाओगे ना, ठीक है मैं निकलता हूँ फिर। तो राधिका बोलते कि हाँ ब्रो प्लीज, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो मुझे बोलता है कि अरे नहीं बाबा, राधिका ठीक है ना? तो देविका ठीक है ना? तो राधिका बोलती कि हाँ वो ठीक है, हम बस थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, प्लीज आप समझो। तो ऐसे बोल के ना कॉल कट कर देती है। तो देविका बोलती कि ये बोलना जरूरी था? तो राधिका बोलती तो क्यों कैसे डाल दिए उनको, वो तो इतने चिपकू है कि ये बोलने के बाद भी रह रहे थे। देविका बोलती यार मुझे नहीं पसंद है यार तुम्हारा ये भाई, मुझसे ना दूर ही रखो इसको, मुझे सच में ये नहीं पसंद है। तो राधिका बोलती कि हाँ बिल्कुल ये पसंद भी नहीं आना चाहिए क्योंकि आपको पसंद बस मैं हूँ ना, मेरी जान, ऐसे करके ना उसके चिक्स पे किस कर देते। तो देविका बोलती क्या कर रही हो यार तुम, मतलब कुछ भी। हाँ तो राधिका देविका को एक क्यूट सा कर लेती है, बोलती चले घर। तो देविका बोलती इतनी जल्दी घर जाने, मम्मा के लिए शॉपिंग कर ले? तो राधिका बोलती हाँ बिल्कुल, मेरी सासू माँ के लिए तो बहुत सारी शॉपिंग करनी है, चलो करते हैं। ऐसे बोल के ना देविका की मम्मा के लिए दोनों शॉपिंग करके लेके जाते हैं, और मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। फिर राधिका देविका को अपने घर छोड़ती है, और वो इतनी ज्यादा एक्साइटेड होती है ना, कल के लिए कुछ प्लान कर रही होती क्या करे कैसे करे। और उसके घर पे भी होली पार्टी होती, तो बोलती कि मम्मा मैं देविका की मम्मा को भी बुला लूँ? तो राधिका बोलती हाँ हाँ बिल्कुल, ये कोई पूछने वाली बात है, बिल्कुल बुलाओ उनको। तो राधिका बोलती बट मम्मा उनकी मम्मा को नहीं पता है कि हम दोनों। तो राधिका बोल
कि मम्मा बोलते क्यों देविका ने बताया नहीं, तो बोलते कि नहीं मम्मा उसको ना थोड़ा सा टाइम चाहिए, सो प्लीज आप वो समझो इस चीज को। तो देविका राधिका की मम्मा बोलती ओके पापा को भी समझा देना ना मम्मा। तो उसके मम्मा बोलती ओके बेटा डोंट वरी उनको आने तो दो पहले। तो राधिका बोलती यू आर द बेस्ट 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 मम्मा इन द वर्ल्ड, ऐसे बोल के ना वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है कल की होली पार्टी के लिए। सो हम फिर ना कॉल करके देविका को बोलते कि कल हमारे घर पे होली पार्टी है और आंटी को लेके आना। तो देविका बोलते कि बट हम ऑफिस जा रहे हैं ना। तो राधिका बोलती कि नहीं किसने बोला हम ऑफिस जा रहे हैं, हम मेरे घर पे होली पार्टी मनाएंगे। तो देविका बोलती बट हम सर को तो बोला था तुमने। तो राधिका बोलती नहीं बाबा मैं तो उनको बस टालने के लिए बोल रही थी। क्या आप मेरे घर आना नहीं चाहती, ऑफिस आना चाहती हो? तो देविका बोलते हैं कि ऑफ कोर्स यार मुझे ऑफिस पार्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुमको भी अच्छे से पता है ना। ऐसे बोल के ना वो राधिका को बोलती। तो राधिका बोलती ओके फिर आई एम वेटिंग, कल आओगे ना मेरे घर पे? तो देविका बोलती हाँ बाबा आ जाऊंगी। तो राधिका बोलती कि आओगी ना पक्का? तो देविका बोलती हाँ आऊंगी ना। तो राधिका बोलती आई मिस यू। तो देविका बोलती अभी तो मिले थे ना? तो राधिका बोलती फिर भी मिस यू यार, बहुत ज्यादा मिस यू, लव यू शो 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 मच। तो राधिका के बाद सुन के ना देविका शाय हो जाती, बोलती कि लव यू टू मेरा बच्चा, मेरा सोना, मैं चिक्कू मैं पिकू। तो राधिका ने एकदम बोलती आई लव यू लव यू सो सो मच। और ये दोनों कॉल कर कर देते, राधिका को तैयारी करनी होती क्योंकि उसके घर पे होली पार्टी होती है, और देविका के लिए वो स्पेशल स्पेशल मतलब बहुत कुछ स्पेशल ना वो अपने रूम में भी डेकोरेट करके रखी होती क्योंकि दोनों की साथ में पहली होली हो रही होती है। और राधिका बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है। दूसरी तरफ ना देविका भी अपनी मम्मा को बोलती कि राधिका के घर पे बुलाए, पर उसकी मम्मा नाना करती है, बोलती कि मम्मा अब चले जाना फिर 5 मिनट में निकल के आ जाना। तो उसकी मम्मा बोलती कि ओके बेटा ठीक है आप बोल रहे हो तो ठीक है, ऐसे बोल के ना वो एग्री हो जाती है और उसके मम्मा और वो सो जाते हैं। बट यहाँ पे राधिका की आंखों में नींद ही नहीं होती अगले दिन सुबह का, और फाइनली होली वाला दिन होता है और राधिका की एकदम सुकून की सांस मिलती है कि आज आएगी मेरी जान मेरे घर पे होली मनाने। और एकदम सुबह सुबह नहा धो के ना सुबह 5 बजे से एकदम तैयार होके नीचे आ जाती है। तो उसकी मम्मा बोलती है कि बेटा ठीक हो ना, सुबह के 6 ही बज रहे हैं। तो देविका बोलती कि हाँ मम्मा कैसे लग रही है बोलो। तो राधिका की मम्मा बोलती कि बेटा कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड नहीं हो? तो राधिका बोलती मम्मा हमारी पहली होली है ना समझो। तो बोलती कि ओके ओके ठीक है, मैंने मिठाई बना लिया है टेस्ट करके बताओ कैसा है। तो राधिका बोलती कि हाँ बहुत अच्छा होगा बट मेरे डार्लिंग से नहीं। तो राधिका बोलती राधिका की मम्मा बोलती शर्म नहीं आती माँ से, माँ के सामने ऐसी बोलती हो? तो राधिका बोलती हो मम्मा आप तो मेरी बेस्टी हो ना, और बेस्टी जान के सामने कैसे शर्म। हाँ तो उसकी मम्मा बोलती है ठीक है मेरा बच्चा जाओ कुछ खाना खा लो। तो बोलती कि नहीं मम्मा भूख नहीं है। तो बोलती कि मैंने बोला ना चुपचाप खाओ, मेहमान आएंगे तो फिर अच्छे से खा नहीं पाओगे ना। तो राधिका बोलती ओके और खाना खा लेती है। और सबके एक के बाद ना एक मेहमान आने लगते हैं बट देविका आ ही नहीं रही होती। राधिका का मन एकदम लटक चुका होता है और बार बार वो देविका को कॉल लगा रही होती, देविका का कॉल लग ही नहीं रहा होता। मतलब होता है ना होली के टाइम एकदम नेटवर्क जाम, हर किसी को कोई विश कर रहा है कोई कॉल कर रहा है, तो समटाइम इसी वजह से उसका नेटवर्क जाम हो चुका होता है। सो जैसे ही ऑटो से ना देविका उसके घर में उतरती है, तो देविका की मम्मा ना राधिका का घर देखी एकदम शौक हो जाती, बोलती है राधिका यहाँ पे रहती है? तो देविका बोलती है हाँ मम्मा। तो देविका की मम्मा बोलती बेटा वो इतनी बड़ी घर की बेटी है और इतना सिंपल? तो राधिका बोलती कि हाँ, देविका बोलती हाँ मम्मा। और देविका की माँ एकदम बहुत ज़्यादा सरप्राइज होके इतना बड़ा घर देख रही होती है, और देविका उसको उनको पकड़ के रूम मतलब अंदर लेके आती है। और जैसे ही राधिका की नज़र देविका के ऊपर पड़ रही है ना, व्हाइट कलर की ड्रेस में वो बल्ला की खूबसूरत लग रही होती है, और राधिका का दिल की धड़कने उसकी धड़कनों से बाहर आके एकदम धक 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 करने लग रही है। वो खुद ही रोक नहीं पाती है देविका को देखने के लिए। होता है ना यार जब कितनी भी लड़ाइयाँ हो कितना भी झगड़ा हो जब हमारा प्यार उसका फेस जब आता है ना यार आंखों के सामने, दिल खुद ब खुद धक धक करने लगता है। जो लोग प्यार में है उनको ये चीज़ बताई होगी कि यार बस एक झलक उसकी देख लो जितने की मेरे किसी चीज़ को, जिंदगी के सुकून ही है यार कि उसकी आवाज़ सुन लो उसको एक बार प्यार से देख लो, इससे ज्यादा कुछ चाहिए ही नहीं यार लाइफ में। ऐसा ही फील होता है कभी कभी तो।
और लॉन्ग डिस्टेंस वाले तो क्या ही हम बोले, फोन के स्क्रीन में सामने को देख के, सामने वाले को देख के हम खुश हो जाते हैं। बट छोड़ो मेरी दुख मेरी दास्तां, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। और हमारी राधिका के दिल की धड़कनों को थोड़ा काबू करते हैं, तो देविका और उसके मम्मा ने एकदम चलते चलते राधिका के सामने आ जाते हैं, और राधिका एकदम खुली आंखों से देविका को देखती रह जाती है। तो देविका बोलती राधिका, तो राधिका बोलती हाँ, तो देविका बोलती हम आंटी कहाँ पे है, अंकल आंटी सब। तो राधिका बोलती ब्यूटीफुल, तो देविका बोलती, उसकी मम्मा बोलती क्या। तो अचानक से ना राधिका का ध्यान टूटता है और उसकी देविका की मम्मा की तरफ से आता है, और अचानक से वो पैर छूती है, बोलती आंटी सॉरी मैं पागल हूँ, आइए ना अंदर आइए, ऐसे बोलिए अंकल अंदर लेके जाते हैं। और जैसे वो अंदर एंट्री होती है ना, जो राधिका की मम्मी पापा है ना, देविका की मम्मी पापा का इतना प्यार से वेलकम करते हैं कि उनको यकीन ही नहीं होता कि इतने बड़े लोग भी इतने अच्छे होते हैं। और बहुत वो खुश हो जाती है, फिर ना होली सेलिब्रेशन ना स्टार्ट हो जाता है। बट राधिका की नज़रें ना देविका को छोड़ ही नहीं रही होती है घूरने से। देविका एकदम से पास आके बोलती क्या हो, अच्छा होली स्कोर। तो राधिका बोलती यार इतना खूबसूरत लगने के लिए किसने बोला था, मेरी नज़र हट ही नहीं रही है। तो देविका बोलती ठीक है फिर मैं बुरी लगती हूँ। तो राधिका बोलती नहीं ना। तो देविका बोलती कि फिर होली नहीं खेलना। राधिका बोलती खेलनी है ना, आपके साथ ही खेलनी है। तो देविका बोलती फिर खेले। तो राधिका बोलती ऐसे खेलनी है। तो देविका बोलती फिर कैसे खेलनी है। तो राधिका बोलती होली पार्टी स्टार्ट होने दो फिर बताती हूँ मैं आपको। ऐसे बोल के ना वो मतलब बहुत ज्यादा खुश होती है, बहुत ही ज्यादा। और उसको ना जहाँ पे जो सारा मतलब अरेंजमेंट होता है ना वहाँ पे ले जाती है। तो देविका बोलती वाह यार ये तो सच में बहुत ज़्यादा औसम है। तो राधिका बोलती कि मैं हूँ ना बेस्ट। तो देविका बोलती कि हाँ आप तो बहुत ज़्यादा बेस्ट हो। और इधर ना राधिका की देविका की मम्मी पापा के साथ राधिका की मम्मी पापा भी बहुत इंजॉय करी होती है, और सॉन्ग वॉन्ग स्टार्ट हो जाता है, सब कोई मेहमान एक एक कहके आने लगते हैं, होली का कलर स्टार्ट हो जाता है। तो राधिका देविका की तरफ देखती है, तो देविका बोलती ऐसी क्या देख रही हो। तो राधिका बोलती बच सकती हो तो बच लो मुझसे। तो देविका बोलती कि हेलो इतना कलर डालने की जरूरत नहीं है, मैंने बोला था तुमको मुझे कलर से एलर्जी है। तो राधिका बोलती है किसने बोला आपके ऊपर मैं कलर डालूंगी। हाँ और ऐसे बोलती है ना, वो जो गुलाल होता है ना वो लेके एक साइड से ना मतलब फेस से होके नेक से होके एकदम गर्दन तक राधिका अपने ऊपर लगा लेती है, और इस वे में लगाती है ना इतनी सीरियस वे में कि ठीक है बस उसको देखती रह जाती है। तो फिर से मैं खुला लेती है और राधिका अपने ऊपर लगा लेती है सेम वैसे, और देविका के गले के अंदर से वो थूक निकल लेती है, और बस मदहोशी वाले निगाहों से ना राधिका को देखने लगती है। तो राधिका बोलती है कि आप बचो मुझसे। तो देविका बोलती मतलब क्या। तो राधिका ने एकदम से भागती है, और देविका को समझ नहीं आता क्या है। तो राधिका ने एकदम उसको पकड़ लेती है, और अपने जो सिक्स है ना उससे एकदम कलर लेके ना देविका को रंग देती है, और उससे दूर होके ना उसको बस आंख मारती है और बोलती कि आप लगाओ मुझे कलर। तो राधिका बोलती है कि क्या। देविका बोलती क्या। तो राधिका बोलती लगाओ, मेरे तो कलर लगा लिया, आप हारी आपकी, आप मुझे लगा सकती हो तो लगा लो। तो देविका बोलती मुझसे चैलेंज। तो राधिका बोलती लगा लो चैलेंज, हारना तो आपको है ही। तो देविका बोलती कि अच्छा बच्चू आप तो बच के दिखाओ। तो ऐसे बोल के ना उसके पीछे भागती, और राधिका आगे आगे भाग रही होती है। ये दोनों ऐसे बहुत इंजॉय कर रहे होते, सब लोग मतलब इतने गुम होते हैं ना शर मतलब होली में कि किसी का ध्यान इनके ऊपर होता नहीं है। और राधिका भागते भागते ना अपने रूम के अंदर चली जाती है, और देविका ना एकदम भागते भागते उसके रूम चली जाती है, और राधिका एकदम जोर जोर से हाँफ रही होती है, बोलती है 5 मिनट ना, 5 मिनट, 5 मिनट बाद। तो देविका ना एकदम रूम लॉक कर देती है, बोलती है बच्चू अब बच के कहाँ जाओगे। हाँ तो राधिका ने एकदम हाँ बच के नहीं जाना है, नहीं जाना है बच के, हाँ नहीं जाना है। तो देविका बोलती रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, ऐसे बोल के ना 5 मिनट दोनों खड़े होते हैं, फिर एक दूसरे को देखते हुए बोलते कि देविका कहाँ जाओगे आप बच के। तो राधिका बोलती कि मुझे बच के जाना कहीं था भी नहीं। देविका बोलते मतलब। तो राधिका बोलते लगा मुझे कलर। तो राधिका देविका बोलती कि इतनी इसलिए हाथ आ जाओगी। राधिका बोलती कि हाँ आपके हाथ नहीं आऊंगी तो किसी ऑफिस वाले के हाथ आऊंगी। तो देविका बोलती हेलो खबरदार। हाँ तो राधिका बोलते लगाओ ना। तो देविका बोलते लगाते तो दो, इतना एक्साइटेड पहली बार देख रही हो किसी को कलर लगाते हुए। तो राधिका बोलते ये कलर नहीं, ये तो मैंने अपने ऊपर पहले ही रंग दिया, मुझे कुछ और कलर चाहिए। तो राधिका बोलते क्या कलर। तो देविका बोलते कि वही जो बस आप ही मुझे लगा सकती है और कोई नहीं। तो राधिका बोलती ऐसा क्या कलर है जो मैं ही बस आपके ऊपर लगा सकती हूँ और कोई नहीं। हाँ तो राधिका ना अपने लिप्स की तरफ दिखाती है और बोलती कि यही कलर।
तो ये देखिए ना, देविका एकदम से शाई फील करने लगती है और इधर उधर देखने लगती है। तो राधिका बोलती है प्लीज, तो देविका बोलती है कि हम ऐसे कलर नहीं खेलते। तो राधिका बोलती है हम ऐसे ही कलर खेलेंगे। तो देविका ना एकदम पीछे पीछे जाती है और राधिका एकदम आगे आगे जाती है, बोलती है लिखाओ ना कलर। तो देविका बोलती है क्या कर रही हो यार बच्चा। तो राधिका बोलती है लिखाओ ना। देविका ना मतलब उसके लिपस्टिक की कलर लगाना चाह रही होती और देविका एकदम पीछे पीछे जाती और राधिका आगे आगे आके उसके लिप्स के ऊपर रखे ना उसके लबों के कलर को अपने लबों में लगा लेती और बहुत प्यार से उसको छूने लगती है। और जब इनका किस कंप्लीट हो जाता है ना, राधिका पीछे हटती है, उसके हाथ में पहले से एक लाल होता है, वो ना एकदम से देविका के ड्रेस पे फेंकती है। तो राधिका बोलती है क्या कर रही हो। हाँ देविका बोलती, राधिका बोलती कलर बेबी कलर। तो बोलती कि आपका रूम गंदा हो जाएगा। तो देविका, राधिका बोलती होने दो, इसे बोल के ना और कलर उठाती है और जानबूझ के ना जो देविका को पीछे से हक करके ना उसके कुर्ते के अंदर से खुला लेगी, उसके जो टमी होता है ना उस पर लगाती है, जैसे वहां पे टच करके लगाती है। देविका की जो हार्ट बीट है ना एकदम तेज हो जाती है और राधिका पीछे हट जाती है और अपने रूम का डोर खोल के ना वो बाहर भागने लगती है। देविका बोल, देविका ना एक पल के लिए शॉक होती है कि क्या क्या क्या। हाँ, और राधिका उसको एकदम आंख मार के ना एकदम पीछे पीछे होके ना भागने लगती है। देविका बोलती तुम रुको बस तुम, और वो भी उसके पीछे पीछे भागने लगती है। तो राधिका आगे आगे, देविका पीछे पीछे, और ये दोनों ऐसे पकड़म पकड़ाई एकदम भाग रहे होते। तो राधिका की मम्मा इन लोगों को देखे ना बहुत खुश हो जाती है। तो देविका की मम्मा भी देखी, बोलती कि बहुत अच्छी सहेली है दोनों, लगता है जैसे कि दोनों बहने हो। तो ये सुन के ना राधिका की मम्मा एकदम शौक हो जाती है और एकदम खांसने लगती है। बस उसको ना राधिका की बात याद आती है, उनको नहीं पता, इसलिए वो चुप हो जाती है। और ये दोनों ऐसे भाग भाग के ना होली खेल रहे होते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, देखते हैं आगे के एपिसोड्स में क्या होता है। आई नो मैं हाँ होली का एपिसोड आधा छोड़ के जा रही हूँ यार, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। आगे बहुत सारी रोमांटिक सीन होगी, होली के रंग में इन दोनों रंगेंगे और बहुत ज़्यादा रोमांस करेंगे। बट यार होली का टाइम है, मेरे घर पे भी लोग हैं बहुत ज़्यादा, तो पता है ना होली के टाइम पे मेहमान होते हैं। बट मैं आप लोगों के लिए बहुत शॉर्ट सा टाइम निकाल के लाई हूँ, तो ये एपिसोड को एंजॉय कीजिएगा। एंड होली खत्म हो जाएगी बट हम लोग मिलके फिर से होली मनाएंगे इन लोगों की लव स्टोरी के साथ। तो मेरे साथ भी थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। एंड एंड सॉरी कि मैं नहीं अपलोड कर पा रही हूँ वीडियो, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, बट क्या करूँ यार, आई एम सॉरी, होप यू समझ लो ना यार, कितने आप बोलूँ मैं अभी आखिरकार। सो होप कि ये एपिसोड आप एंजॉय करो एंड टेक केयर योर सेल्फ, हैप्पी होली, एंजॉय विथ योर फैमिली, बहुत सारा मस्ती कीजिएगा बट किसी को परेशान मत कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड जो लोग मेरे साथ न्यू न्यू जुड़ रहे हो, मुझे इतना प्यार करते हो ना, आई लव यू टू मेरी क्यूटी पाई फ्रेंड्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, आई होप यू एंजॉय दिस एपिसोड। गुड नाइट, टेक केयर, एंजॉय योर डे, सॉरी एंजॉय योर नाइट।